मेरे कोनी ब्लॉग चैनल पे। तो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ सेक्टर 32 हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जो तो मम्मी जी की दवाई लेने। और इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे मतलब वहाँ का नज़ारा है सेक्टर 32 हॉस्पिटल का। और आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए एंड तक देखना इस ब्लॉग को। तो चलिए मिलते हैं आगे, इस ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स अभी ये सुबह का टाइम है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और धुंध भी पड़ रही है, ये देखिए। और अभी स्कूल आएगा मेरा, रास्ते में पड़ता है ना विकास नगर के, तो अभी ये देखिए ये है मेरा स्कूल जिसमें मैं 10th क्लास तक मैंने पढ़ाई करी है। ये देखिए ये क्लासरूम होती थी हमारी और ये गैलरी है, यहाँ पर हम बच्चे खड़े होते थे लंच में। और आगे चलो कंटिन्यू बने रहिए, मज़ा आने वाला है आपको। सो फ्रेंड्स अभी हमने ऑटो ले लिया है, इसके बाद हम जाएंगे बस लेंगे, फिर बस से चलेंगे हम सीधा 32 हॉस्पिटल। अगर बस मिल गई या फिर टेम्पो मिल गया तो टेम्पो से चलते हैं। तो देखते हैं किस में आगे सब कौन सी सवारी लेनी पड़ेगी हमें। सो फ्रेंड्स अभी हम हल्लो माजरा की लाइटों पर पहुँचने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इधर ठंड है अभी चंडीगढ़ साइड। और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम हल्लो माजरा की लाइटों पे, बस थोड़ी देर में तो वैसे पहुँचने वाले हैं। सो फ्रेंड्स अभी देखिए लाल बत्ती हो रखी है, ये हल्लो माजरा की लाइटें हैं, लाइटें हो चुकी हैं, बस हम निकल गए हैं और बस लाइटों पर उतरने वाले हैं। अभी हम बस स्टैंड पर जाएंगे, उसके बाद बस लेंगे वहाँ से। सो फ्रेंड्स अभी हम ऑटो से उतर चुके हैं, ये देखिए। और अभी हम बस स्टैंड पर पहुँच गए हैं, ये देखिए। सो फ्रेंड्स अभी हम बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पर बस स्टैंड पे, देखते हैं कब तक आती है बस, अभी तक आई नहीं है। उसके बाद ब्लॉग में कंटिन्यू, ये ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे मैं। सो फ्रेंड्स हमें फिर से ऑटो मिल चुका है, बस का वेट करते रहिए, बस टाइम लगा रही थी आने में तो हमने ऑटो ही ले लिया, ये देखिए। और बस स्टैंड चला गया पीछे, हम आ गया। तो चलो ब्लॉग कंटिन्यू बने रहिए। सो फ्रेंड्स देखिए अब हम 32 हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ना ये 32 हॉस्पिटल है, फ्रंट गेट पे ले चलते हैं आपको। सो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रंट गेट पे हम पहुंच चुके हैं, अभी इस ऑटो से हम उतर जाते हैं, उसके बाद चलेंगे कंटिन्यू। ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए गेट के आगे चलते हैं अंदर, क्योंकि बहुत हम लेट हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, तभी जाके हमें दवाई मिलेगी। तो देखते हैं कब तक हम पहुँचते हैं वहाँ पर, क्योंकि भीड़ भी बहुत होती है 32 के हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है ये चंडीगढ़ का। एक 32 है और एक PGI है और एक कौन सा है हमने 16 का एक। तो चलो चलते हैं कि फैंसी जो बिल्डिंग है ना ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है और हर एक ब्लॉक में अलग अलग तरह की दवाइयाँ मिलती है, अलग अलग सिस्टम है हर एक ब्लॉक का। वो देखो छोटी सी उधर भी दिख रहा है, ग्रे कलर की बिल्डिंग है और ये भी। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस 32 के हॉस्पिटल में मैं पहली बार आई हूँ, वो भी मम्मी को लेकर आई हूँ, मम्मी की दवाई लेने आई है। तो देखते हैं इस ब्लॉग में क्या होता है, जैसे आप देख रहे होंगे पहली बार और वैसे ही मेरा भी एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर पहली बार। तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखिए ये पार्क है, इस पार्क को क्रॉस करके फिर हम हॉस्पिटल पहुँचेंगे। देखिए अभी हम बिल्डिंग के पास पहुँच चुके हैं, ग्रे कलर की बिल्डिंग है यहाँ की। और यहाँ पर देखिए बहुत ही भीड़ है, देखिए चलो बने रहो हमें। चलो अब रजिस्ट्रेशन करवाने चलते हैं मम्मी जी का। सो फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लग रखी है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हम, बहुत भीड़ है यहाँ पर। ये लिफ्ट है,
यहाँ से जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अब हम जा रहे हैं आगे डॉक्टर के पास। यहाँ पर कार्ड बनता है और यहाँ पर रिपोर्टें आती हैं, जैसे खून टेस्ट होता है, यहाँ पर भी रिपोर्ट होती है और यहाँ पर पैसे जमा होते हैं क्वांटम पे, जैसे खून टेस्ट यहाँ पर पैसे जमा होता है क्वांटम पे, 8 नंबर पर खून टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बी ब्लॉक है और ये कैंटीन है सेक्टर 32 हॉस्पिटल की, और यहाँ से एग्जिट होके दूसरी बिल्डिंग में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर अभी चल के हम थोड़ा बैठते हैं, अभी हमारे किसी नंबर नहीं है, जब हमारी बारी आएगी तो हम जाएंगे दवाई लेने। तो मिलते हैं आगे, चेयर पर बैठ जाते हैं, चेयर पर बैठ गए हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं फ्रेंड्स बाहर, अब दवाई ले ली हमने, अब घर चलेंगे इसके बाद। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी धूप निकल गया और अभी हम घर जा रहे हैं पार्क। पार्क में फिर से हम पहुंच गए हैं, ये मम्मी है हमारी, और अभी थोड़ी ठंड कम हुई है क्योंकि अब धूप निकल गई ना, इसलिए तो आज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ आने का, क्योंकि दवाई हमें मिली नहीं है। अब अगले हफ्ते फिर बुलाया हमें, देखते हैं अब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब हमें ऑटो ले चुके हैं घर के लिए, ये देखिए अभी हम ऑटो में ही बैठे हैं और अभी हम जा रहे हैं हल्लू माजरा की लाइन में, फिर वहाँ से भी ऑटो लेना पड़ेगा हमें, देन फिर हम घर पहुँचेंगे। तो इस ब्लॉग में बने रहिए आगे तक, एंड तक ब्लॉग जरूर देखना है। ये मिलते हैं थोड़ा इधर का भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सब फ्रेंड्स, अभी हम लाइटों पे पहुँच चुके हैं, देखिए वहाँ पर है लाइटें, और अभी हम इधर साइड में होकर जा रहे हैं लाइटों से, और आगे आगे मेरी मम्मी जी जा रहे हैं, और अभी धूप भी होगी देखिए, इसलिए मैंने अभी कैप भी उतार दी है और मफलर भी, और उसको मैंने बैग में रख दिया है, और यहाँ से भी हमें ऑटो ले।